ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर है कि मंडी में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर आज खूब प्रदर्शन हुआ। जेल रोड पर मस्जिद से चंद कदम की दूरी पर प्रदर्शनकारी थे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में यहां धक्का मुक्की हुई, वाटर कैनन चली। इससे पहले शहर में जुलूस निकाला गया था। जुलूस के पहले मंडी के सेरी मंच पर लोग इकट्ठा हुए और हिंदू संगठन के लोग जमा हुए और नारेबाजी की गई। ये लोग मस्जिद और वक्फ बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। आगे बढ़ने की कोशिश हुई, प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हालांकि प्रदर्शन के बारे में गुरुवार को जब ऐलान किया गया था तो पहले से पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात था, तो कड़ी सुरक्षा थी। मंडी में जेल रोड पर बनी मस्जिद में अवैध निर्माण की बात सामने आई। इधर यह साफ हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में बनी मस्जिद में अवैध निर्माण हो चुका था और इसे तोड़ना होगा। नगर निगम में मामले की शुक्रवार को सुनवाई भी हुई और निगम ने इस अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश भी दिए। नगर निगम मंडी की तरफ से मामले पर सुनवाई की गई है और एक और जानकारी सामने आ रही है, ये कि मुस्लिम लोगों ने खुद ही अवैध तरीके से बनी मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया। ये कार्रवाई मंडी शहर के जेल रोड पर जो मस्जिद थी उसके अवैध निर्माण पर मुस्लिमों ने की है। हालांकि जब ये सब कुछ चल रहा था तब यहां पर पुलिस बल मौके पर तैनात था। अवैध निर्माण को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस मामले में बयान दिया गया है। मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, मस्जिद कमेटी क्या कह रही है? मस्जिद कमेटी कह रही है कि हम चाहते हैं कि सौहार्द बना रहे और इसीलिए हमने अवैध ढांचे को तोड़ दिया। एनओसी के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, इसलिए पास नक्शा नहीं हो पाया और इसलिए अवैध निर्माण माना जा रहा है। उनकी कॉल ली गई है, उस चीज को देखते हुए पुलिस ने पर्याप्त अरेंजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे किए हैं। हमारा मेन एम है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, किसी भी तरह की कोई वायलेशन नहीं होने देनी है। इफ समबडी इज कमिंग, किसी का कोई पॉइंट है, किसी की आगे बताना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी। कितनी फोर्स जो वो डिप्लॉय की गई है मंडी शहर में या सराउंडिंग में, और कहाँ कहाँ पे आपकी तरफ से जो है नाकेबंदी की गई है? मंडी शहर में करीब 300 के करीब जो है हमारी फोर्स डिप्लॉयड है। नाकेबंदी की बात करें तो मंडी टाउन के जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं उसमें लार्जली हमने नाकास लगाए हैं और रूटीन चेक। इससे पहले शिमला के संजौली में भी मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर खूब हंगामा हुआ। खबर है कि शिमला मस्जिद विवाद को लेकर तो कांग्रेस आलाकमान जो है सुक्खू सरकार से बहुत नाराज है। इसके बाद सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई। सरकारी की कार्य प्रणाली से हाईकमान खुश नहीं है। इधर सीएम सुक्खू ने बीती कल को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, मुद्दों पर चर्चा की गई थी साथियों से। बाद में विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह ने मीडिया से बात की थी और जयराम ठाकुर की सरकार पर निशाना साधा था। अनिरुद्ध सिंह ने तो कहा कि जयराम ठाकुर के राज में मस्जिद निर्माण के लिए पैसा दिया गया था। संजौली की हम बात कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद के बाद अब शांति है। यहां पर पुलिस ने अब तक 10 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने अब लोगों को नामजद करना शुरू कर दिया है। फिलहाल ढली थाने में लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं और अब तक 10 मामले दर्ज हो चुके हैं। इधर सीएम सुक्खू जो हैं उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग की है और कहा है कि हमें प्रदेश में हर हाल में शांति स्थापित करनी है। सरकार की यह कोशिश है कि सौहार्द यहां बना रहे और इसीलिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हुए उन्होंने सभी दलों से समर्थन मांग लिया। और पर्यटकों से अनुरोध किया जाए कि आप निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश आए, ऐसा ना सोचा जाए कि यहाँ कोई बड़ी घटना है। आपने अभी मीडिया को ब्रीफ किया, उसमें आपने कहा कि एक छोटे से क्लैश की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं और इस क्लैश के बाद ही आपके मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी सारी चीज़ें रोहिंग्या से लेकर बांग्लादेश से लेकर कई चीज़ें उन्होंने कही, तो वो क्या थोड़ा सा सरकार से हटकर उन्होंने जो बयान दिया था वो, और दूसरा ये कि वाकई कुछ फॉल्ट लाइन्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं जो ये आगे चलकर दिक्कत कर सकती हैं हिमाचल प्रदेश में? नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे मिनिस्टर्स ने बयान दिया उनकी विधानसभा क्षेत्र में ये घटना घटी, तो उनकी विधानसभा क्षेत्र में वो जो लोकल आदमी था उसके साथ जो बाहर से लोग आए हुए तो उनके साथ घटना घटी, फिर उस समुदाय की लड़ाई में होगी, तो उस चीज़ से वो थोड़े से विधानसभा क्षेत्र को ध्यान में रखकर उन्होंने बयान दिया होगा, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत बयान नहीं है। कल उन्होंने सीधा कहा है और मैं कहना चाहता हूँ कि ये घटना नहीं है, ये इसमें जो भी बात हुई है वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है, दो दुकानों का झगड़ा है। जो दुकान वहाँ चलाते थे वो बाहर के लोग थे, उन्होंने लोकल आदमी को आकर पीटा, जिसके कारण ये बात फैली है। सही मायने में सत्य ये है,
लेकिन कई बार क्या है कि सोशल मीडिया के जमाने में बात को बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाता है। इससे पहले संजौली में मस्जिद को लेकर जो हंगामा खड़ा हुआ, उस पर हिमाचल के ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में जो बयान दिया था उसकी खूब चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अवैध निर्माण के चलते यहां पर लोगों का चलना तक मुश्किल हो चुका है, यहां छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी हैं, लव जिहाद जैसी घटनाओं का खतरा बना रहता है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया था। इसके बाद AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के चीफ ओवैसी की तरफ से बयान दिया गया कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का खेल खेला जा रहा है और मंत्री, वहां के मंत्री जो कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं, वो संघ की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन चाहे संजौली का मामला हो या हिमाचल के मंडी का मामला हो, दोनों ही मामलों में मस्जिद में अवैध निर्माण की बात कही जा रही थी। संजौली में भी अवैध निर्माण जो है वो मुस्लिमों की तरफ से ही गिराया जाना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ मंडी में भी यह कहा गया कि वहां पर भी अवैध निर्माण चूंकि सौहार्द बना रहे इसलिए, और NOC के बारे में जानकारी नहीं थी इसलिए ये सब कुछ हो गया, लेकिन दीवार जो अवैध रूप से बनाई गई थी उसे गिराने का काम किया गया है। अब देखना होगा इस मामले में क्या होता है, लेकिन फिलहाल यहां पर शांति बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की कोशिश यह है कि ऐसे मामले आगे सामने ना आए, और अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो शांति से उसका निपटारा हो सके, क्योंकि लगातार विपक्ष तो घेर ही रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी ये कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान में नफरत का खेल क्यों खेला जा रहा है।